తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం ఇష్యూ దేశవ్యాప్తంగా భక్తుల మనసులు గాయపర్చిందన్నారు కేంద్ర మంత్రి బిఎల్ వర్మ. కల్తీ వ్యవహారం కేవలం క్రిమినల్ చర్యగానే గాక ప్రజల సెంటిమెంట్ తో ఆడుకున్న వ్యవహారమని అన్నారు. దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు కేంద్ర మంత్రి వర్మ. देखिए त्रिपति बालाजी के प्रसाद में जो मिलावट का प्रकरण आया है मुझे लगता है बहुत ही दुखद है, क्योंकि देश भर से ही नहीं दुनिया भर से लोग त्रिपति बालाजी आते हैं और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की आस्था त्रिपति जी से जुड़ी रहती है और मैं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा आस्था का प्रतीक मानते हुए चढ़ावा भी इतने बड़ी तादाद में आता है, तब मुझे लगता है कि जिसने भी जो कृत्य किया है जो भी दोषी हैं जांच करके निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये केवल मुझे लगता है कि अपराधी नहीं है, ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि माननीय अमित शाह जी जो हमारे यशस्वी गृह मंत्री हैं वो निश्चित रूप से इसको बात कर रहे होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मनी नड्डा जी तो स्वास्थ्य मंत्रालय का भी काम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जहाँ पर जो भी जांच करानी होगी जांच भी होगी और दोषी लोग बचेंगे नहीं और निश्चित रूप से उन्हें कठोर कार्रवाई होगी।